नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल तबंदे भारत। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने शुक्रवार को ढाका में एक घरेलू T20 मैच के दौरान मैदान पर स्टंप को लात मारी और अंपायरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। उन्होंने हालांकि बाद में इसे मानवीय त्रुटि बताते हुए माफी मांगी। शाकिब के गुस्से का असर हालांकि उनके खेल पर गलत तरीके से नहीं पड़ा और उनकी टीम मोहम्मदन सपोर्टिंग ने ढाका प्रीमियर लीग में अबहानी लिमिटेड को डकवर्थ लुईस पद्धति से हरा दिया। बांग्लादेश के 34 साल के पूर्व कप्तान ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन स्टंप को लात मारना स्तर 3 का अपराध है और इस बर्ताव के कारण उन पर एक मैच का निलंबन लग सकता है। शाकिब ने अपने फेसबुक पेज पर माफी मांगते हुए लिखा, प्रिय प्रशंसकों और शुभचिंतकों, मैं उन सभी से माफी मांगना चाहता हूं जिन्हें आज के मैच में मेरे व्यवहार से दुख पहुंचा है। मेरे जैसे अनुभवी क्रिकेटर से ये बिल्कुल वांछनीय नहीं है, लेकिन कभी कभी मैच के तनावपूर्ण माहौल में ऐसा हो जाता है। मैं सभी टीमों, टूर्नामेंट में शामिल सभी अधिकारियों और आयोजन समिति से ऐसी गलती के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में इस तरह की कोई काम नहीं करूंगा। आप सबको प्यार। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।